What is up guys, welcome back to another video in my channel. आज कुछ क्रिएटिव नए एडिटिंग सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को. आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ पिक्सर अमेजिंग पोर्ट्रेट एडिटिंग. तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पोर्ट्रेट एडिटिंग के लिए पहले हम लोगों को पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा, फिर प्लस वाले बटन पे आके एडिट फोटो पे आना पड़ेगा. फिर हम लोगों को एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, हम व्हाइट वाले बैकग्राउंड. उसके बाद आएंगे टूल्स पे आने के बाद आएंगे क्रॉप पे आ जाने के बाद 3:4 वाला जो क्रॉप है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से डन कर लेंगे. डन हो जाने के बाद हम लोग इधर से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे. मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ. सिलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग फोटो को इधर से थोड़ा क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से. हम लोग फोटो को क्रॉप कर लेने के बाद इधर से डन कर लेंगे और फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इरेज कर लेंगे फोटो को. सिर्फ पर्सन को ले लेंगे और बैकग्राउंड को हम लोग क्लियर कर लेंगे. फिर डन करेंगे और फोटो को इधर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से. फोटो को एडजस्ट कर लेने के बाद हम लोग इधर से फिर से डन करेंगे. डन कर लेने के बाद हम लोग आएंगे ड्रॉ पे आ जाने के बाद हम लोग कलर सिलेक्ट करेंगे. कलर हम लोग व्हाइट कलर लेंगे, इधर से ये वाले व्हाइट कलर लेंगे और ब्रश पे क्लिक करेंगे. ब्रश पे आ जाने के बाद ब्रश का साइज हम लोग फुल कर लेंगे और ऑपेसिटी को इसको भी फुल कर लेंगे, 100 कर लेंगे. उसके बाद आएंगे हार्डनेस को हम लोग -1% कर लेंगे और इधर जस्ट एक स्टेप करेंगे. उसके बाद आएंगे हम लोग इधर आ जाने के बाद हम लोग इस कलर को ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ इस तरीके से. मैं कलर को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ. आप भी स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से करना. कलर ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद इधर से डन कर लेंगे और इधर से आके हम लोग इसको मर्ज कर लेंगे. मर्ज कर लेने के बाद डन कर लेंगे. उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे एक और बार फोटो पे. हम लोग एक और फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड वाले फोटो. इधर से मैं सेकंड वाले फोटो को सिलेक्ट कर लिया. ऐड कर लेने के बाद हम लोग इसको भी थोड़ा क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से. क्रॉप हो जाने के बाद हम लोग इधर इसको फिर से इरेज करके पर्सन को लेंगे और बैकग्राउंड को हम लोग हटा लेंगे और इधर से इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे. थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इधर और सिर्फ पर्सन को ले लेंगे और इधर से हम लोग इसको डन कर लेंगे. ये डन हो जाने के बाद हम लोग आएंगे इधर स्टिकर पे आने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका डाटा ऑन रहना चाहिए. हम लोग स्टिकर पे आने के बाद इधर सर्च करेंगे न्यू ब्राउन. मेरा ऑलरेडी सर्च वर्ड में है इसलिए मैं इधर से सिलेक्ट कर लिया. और नियन बैकग्राउंड पे आ जाने के बाद ये वाला स्टिकर हम लोग ले लेंगे वाला फोटो के लिए और इधर से इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको बैठा लेंगे इधर कुछ इस तरीके से. ये हो जाने के बाद हम लोग आएंगे फिर से इरेस पे और इरेस पे आ जाने के बाद हम लोग आएंगे बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे और हमारा फोटो इधर रेडी है. तो आप देख ही सकते हैं कैसे हम लोग एक क्रिएटिव फोटो एडिट किया. ऐसे अमेजिंग ट्रिक के लिए मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.